बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके शेयर करने लगी हूँ, माश की दाल के पराठे। वाह वाह, कल हमने दाल बनाई थी तो थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो मैंने कहा कि चलो आपको आज दाल के पराठे की रेसिपी बताती हूँ। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये धनिया लिया है, अदरक है, प्याज है, सूखा धनिया है, थोड़ा सा ज़ीरा है, और ये माश की दाल, और ये सब्ज मिर्चें हैं एक दो लिए मैंने। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं ये। ये है कि दाल बच जाए ना खाई जाए तो उसको ये इस्तेमाल में ले लें और मज़ेदार से माश की दाल के पराठे बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ये थोड़ी सी मैंने रेड मिर्चें डाली हैं इसमें, और इसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। पराठे जो है ना ज़रा स्पाइसी ही मज़ेदार लगते हैं। इसके बाद ये देखें मैंने दो पेड़े बनाए हैं छोटे छोटे से, अब इनको मैं बेलने लगी हूँ और छोटी छोटी सी रोटियाँ बना लूँगी इनकी। दोनों पेड़ों की रोटियाँ बेल ली हैं मैंने। अब ये जो मैंने माश की दाल बनाई है ये इसमें मैं डालूंगी। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं पराठे। ये सारी फिलिंग कर दूंगी इसमें और इसके बाद जो है ना जो दूसरी मैंने रोटी बेली है वो इसके ऊपर रख दूंगी और हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा दबाऊंगी कि साथ ये जुड़ जाए। चले अब जो है ना बेलने लगी हूँ इसको मैं। एक साइड पे मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए। चलिए मैंने तवे पे डाल दिया, एक साइड से पकेगी थोड़ी सी तो फिर इसको उलटाऊंगी मैं, इसकी साइड जो है ना बाद में चेंज करूँगी। चल एक साइड से मेरी हो गई है, अब मैं चेंज करने लगी हूँ। अब मैंने उठा दिया और इसके ऊपर मैं देसी घी लगाने लगी हूँ। आप जो दिल चाहे लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं और ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देसी घी मैंने लगाया, अब इसकी जो है ना साइड चेंज कर दूंगी और इस साइड पे भी मैं देसी घी लगाऊंगी। अब थोड़ी देर इसे पकने दूंगी, हिलाऊंगी ज़रा कि चारों साइडों से ये पक जाए, हर साइड से ये जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए और हल्की आंच पे इसे बनाना है मैंने, क्रिस्पी बने। साइड चेंज कर दी है, देखे कितना ही मज़ेदार हमारा ये पराठा बना है। दूसरी साइड भी देखें, ये भी देखें कितनी क्रिस्पी हो गई है, और ये जो है ना हमारा पराठा तैयार हो गया है।
दोनों साइडों से पक गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसे प्लेट में निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि कितना ही टेस्टी ये हमारा पराठा बना है। ये देखें कमाल ही हो गया है, बहुत मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी। अगर किसी वक्त आपका दिल चाहे माश की दाल का पराठा खाने के लिए, तो दाल तो पकती है घरों में, थोड़ी सी दाल निकाल के अपने लिए पराठा तैयार कर लें। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।